क्यों जला दिया, ये चार लेता कौन लेना रिया से तो क्या। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूँ, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्देश निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देंगे। जिस वक्त शिव भक्त कावड़ियों की भक्ति से सराबोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है, जिस वक्त सीएम योगी कावड़ियों की सुरक्षा और स्वागत की व्यवस्था कर रहे हैं, उस वक्त प्रदेश के अमन चैन के दुश्मन सूबे को सुलगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंसान है का तो फिर एक तावीज मुझे ऐसा दे तो ला दे, ये क्यों जला दिया, ये चार दिन लगा रहेंगे लोग कौन लेता कौन दे उसे कोई जैसे रखी भी कोई लेगी ना रिया से तो क्या करूं। तुमने जला दी, तुमने जला दी क्यों, कौन कह रहा तुमने जला दी, चाहे ले ना ले तुमने हक के किसका हक बताओ। ये चीज का मुझे इल्म नहीं, इस चीज का जलाई क्यों, जब जलाई क्यों, जब मेरा जला दी भाई। अभी बताओ आगे से, अभी तो और पे जाना, अभी तो और तोड़ेगा और बिजनौर में बीज बोया गया सांप्रदायिक साजिश का, मजार में तोड़फोड़ कर माहौल खराब करने का पूरा इंतजाम किया गया, मजार की चादर जलाकर यूपी को सुलगाने की चिंगारी लगाई गई, लेकिन वक्त रहते प्रशासन की सतर्कता के चलते साजिश के चेहरे बेनकाब हो गए। उनकी मनसा सही नहीं थी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की स्पष्ट साजिश थी। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीजों को नियंत्रित किया गया। बिजनौर के शेरकोट इलाके में दो सगे भाई आदिल और कमाल ने दशकों पुरानी दरगाह भूरे शाह, जलाल शाह और तीसरी कुतुब शाह की मजार को मटिया मेट कर दिया। दोनों शातिर भाइयों ने मजार पर चढ़ी चादरों को आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात, घटना के वक्त आदिल और कमाल ने हिंदू होने का स्वांग किया। दोनों ने भगवा साफा बांध कर तोड़फोड़ की ताकि पहली नजर में लगे कि हिंदुओं ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कांवड़ यात्रा के बीच ये सीधे सीधे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिश नजर आई। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस्लामिक जिहादियों के षड्यंत्र कितने गहरे हैं। बहाना बना बना करके हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, भारत को जलाने की कोशिश हो रही है और आतंकवादी मानसिकता को विकसित करने की कोशिश हो रही है। बिजनौर के अलावा सहारनपुर में भी साजिशन भ्रामक वीडियो वायरल कर हिंसा भड़काने की साजिश की गई, पुराने वीडियो को नया दिखाने की कोशिश की गई।